सो गाइस, जैसे मैं घर से नीचे जा रहा था बकरे को खिलाने के लिए, तो भाई लोग आ गए। और जो भाई लोग आए हैं वो चेक कर रहे हैं कि घर का जो नल है वो लीकेज हो रहा है कि नहीं। तो सबके घर का नल मतलब पानी लीकेज हो रहा है, वॉशरूम का, यहाँ से भी हो रहा है, तो ये चेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो गाइज, हमारे भी वॉशरूम का दोनों का लीकेज हो रहा था। तो गाइज, ये चेक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा है, या मतलब पानी का जो कट ऑफ हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हर घर पे के मतलब हम अपने बिल्डिंग में, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 50 घर है, ओके, तो 40 घर पे लीकेजेस है। तो 40 घर पे लीकेजेस होने के कारण पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए सबका लीकेज चेक किया जा रहा है और वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। तो थैंक यू सो मच कि ये आप लोग कर रहे हो, और बहुत अच्छी बात है कि पानी की बचत होगी। और अभी अभी मैंने मैसेज देखा, मतलब मुझे एक मैसेज आया कि नवी मुंबई में 3 दिन तक पानी नहीं आएगा। तो स्टार्ट तो यहाँ से हो चुका है और हमारे इधर का लीकेजेस सही हो रहा है। हो रहा है ना मिश्रा? और ये भाई यहाँ पर सही कर रहे हैं। तो भाई हो जाएगा ना भाई? हाँ, अभी पानी नहीं जाएगा ना? हाँ, तो गाइस बहुत अच्छी बात है। तो चलो, ये जैसी हो जाता है वैसी मैं वापस नीचे जाता हूँ। नीचे जाने के लिए मुझे थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो गाइस, यहाँ पर नल का काम वहाँ का अंदर का हो गया, यहाँ का काम बाकी है। तो भाई, ओ भाई, आप बता रहे थे कि अपने बिल्डिंग में कितना पानी आता है? 120 यूनिट पानी आने का था, पहले आता था पहले। हाँ, 140 यूनिट आता है, फिर भी पानी कम पड़ रहा है। और मैं दिन में कितने टैंकर आ रहे हैं? 3 या 4 टैंकर आ रोज, हर दिन 3 या तो 4। तो गाइज, आप लोग सोच सकते हो कितने घर पे लीकेज चालू है, और इसीलिए नवी मुंबई में पानी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है। तो प्लीज सेव वाटर, ओके, और जहां भी आप जाओ जितना भी पानी सेव कर सकते हो उतना पानी सेव करो। और क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी अपना सेव करना, बचाना, क्योंकि अभी बहुत लोगों के घर पे पानी नहीं आ रहा है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी सेव करना स्टार्ट करेंगे तो पानी की बचत होगी। तो प्लीज आई होप कि आप लोग आज से स्टार्ट कर देंगे। कितना हुआ है? 200 रुपये इसका, उसका कितना चार्ज लगे पता नहीं आपका, मजदूरी का चार्ज 200 रुपया, मजदूरी का चार्ज 200 रुपये। चलो सही है, यहाँ पर 200 रुपये चार्ज लग चुका है हम लोगों। चलो गुड, चलो थैंक यू भाई, भाई वो लेकर आना। फाइनली हम लोग जा रहे हैं मम्मी के इधर, और बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे कि मम्मी के इधर जाना है जाना है जाना है। तो ये मैडम अभी नहा के निकले, क्या कर रहे थे तुम? मैं खाने की तैयारी कर रही थी। खाने की तैयारी कर रहे थे कि ईद की तैयारी कर रहे थे? ओ, तो गाइस पहले हम लोग निकलते हैं, मम्मी के इधर लिफ्ट आ चुकी है, ज़्यादा वेट नहीं कराने का लिफ्ट को। तो मिलते हैं थोड़ी देर में मम्मी के इधर। चले कहाँ? मम्मी के घर। गाइज, हम लोगों को मिल चुका था ओवेज बकरे के साथ नीचे, और इसकी हालत देखो। और मैमे को भी लेकर आ गए। वाह, अरे उसको लग रहा पत्ती है। सोनम तुम्हारा वापस गंदा करने आ गए, और सब खुश हो गए, पापा मम्मी ये लोग सब है। तुम्हारा बेटा भी बकरा कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, देखो। फाइनली मैं मम्मी के इधर आ चुका था, और यहाँ पर मम्मी ने बकरा संभाल के रखे, और मम्मी के पास ही यहाँ बकरा था। तो मैं अभी घर के लिए निकल रहा हूँ। तो निकलते निकलते मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि मैं सोच रहा हूँ कि मिसबा पे एक प्रैंक कर दूँ मम्मी के साथ मिलके। तो मैं मम्मी के साथ मिलके एक प्रैंक करने जा रहा हूँ, और मैं मम्मी को बोल रहा हूँ कि मैं बकरा लेके जा रहा हूँ। मम्मी मुझे आपको इतना बोलना है, नहीं बकरा नहीं लेके जाने का, बकरा मेरे पास ही रहेगा। हाँ, क्या बोलोगे? बकरा नहीं लेके जाने का, बकरा मेरे पास। हाँ, ये मिसबा को बोलने गए, ओके, कि बकरा मैं इधर ही रखूंगी। तो गाइस, मम्मी के पास 2 दिन से बकरा था, और कल लास्ट दिन है। तो मिसबा सोच रही थी कि ये बकरा को हम लोग आज रखेंगे, मतलब वो खिलाएगी पिलाएगी, थोड़ा रात भर खेलेगी। तो बहुत टाइम से बोल रही है कि चलो बकरा लेके आते हैं। तो अभी हम लोग फाइनली घर के लिए निकल रहे हैं। तो मैंने मतलब ऐसी प्रैंक मैं सोच रहा हूँ कि बस सिर्फ थोड़ा सा इन्जॉयमेंट के लिए एक प्रैंक कर रहा हूँ, कि मेरे को मिसबा का रिएक्शन देखना है कि वो क्या करती है, भड़कती है या क्या करती है। तो मम्मी हाँ रेडी है? हाँ, प्रैंक कर रहा हूँ, हंसना नहीं। हाँ, आपको क्या बोलना है वापस से बोलो। बकरा नहीं ले जाने के, मेरे पास रखने का। हाँ, मेरे पास रखने का, मुझे रखने का है, ओके। और हम लोग उसको नहलाएंगे पिलाएंगे, और कल हम लोग लेके जाएंगे। हाँ रेडी? तो इधर कैमरे में देख के बोलो रेडी रेडी रेडी। सो गाइस, फाइनली बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, और यहाँ पर बकरा हो गया है, थक गया है, मतलब ए उठा सो ना, उसको उठा, सो रहा है। अल्लाह, एसी चालू कर दो, फिर सो रहा है तो। हाँ,
बस हो गया, दो दिन रखे ना, हो गया, अभी मैं एक दिन लेके आऊंगा मिसबा। हाँ। चलो मैं तो बकरा ही लेने आई हूँ। हाँ चलो चलो भी चलो, चलो। तो मम्मी हम लोग बकरा लेके जा रहे हैं। हो गया, अभी दो दिन था ना आपके पास, तो हम लोग लेके आ रहे। किसका मुँह, क्या हो गया? दो दिन था तो आज रहने दो, क्या हुआ? अरे अम्मी कल ईद है, कल ईद है, हम लोग को बकरा लेके आने का, एक दिन तो हम लोग को रखने दो। फिर अभी तो मेरे को लेकर जाने दो, दो दिन तो था ना, बच्चे लोग सब खेले, दो दिन उसकी भी छुट्टी थी, दो दिन तो वो भी खेला। चलो 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 चलो, तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और कल ईद है। चलो बाबा, ओए चलो चलो, उठा उठा बाबा उठा, बकरा लेके मत जा। हाँ बकरा लेके मत जा। क्यों? अरे तो रहने दे, मैं इधर ही से नहलवा के सब करके। हाँ बेटा सही बात है। क्या हो गया? मम्मी अभी मैं थोड़ा टाइम रखूंगी ना, तीन चार बजे तक मैं लेके बैठूंगी यही। चलिए तो आपको मैं सोने के टाइम पर आपको लाकर दे दूंगी, लेकिन अभी थोड़ा तो लेके जाने दो। हाँ मम्मी थोड़ा लेके जाने दो ना, एक भी दिन नहीं रखी यही से, हम लोग नहला के धुला के सब चीज फिर वहाँ वो कर लेंगे, ले जाएंगे। अरे तो हम लोग भी अम्मी वहाँ नहला धुला देंगे, हमारे इधर भी पानी है, सब कुछ है, उधर रखने की जगह है, इस बार है ना उधर जगह अपन। हाँ फिर क्या, तो अम्मी अभी जबरदस्ती बोल रहे हैं। पैसा भी दिए ना वहाँ, पैसा भी दिया अम्मी। हो गया पैसा दिए तो हम कल कल कुर्बानी हो जाएगी, पापा के नाम से कुर्बानी होगी, रात भर रहेगा। हाँ तो क्या हो गया, सुबह में लेके आ जाऊंगा ना अम्मी नमाज पढ़ने के बाद। हाँ अरे तो जैसा तू लेके आएगा वैसा यहाँ से नहला धुला के आराम से लेके पहुँच जाएंगे वहाँ। ये मिसबा यार, मम्मी लोग की तो जबरदस्ती है यार, अभी बकरा इधर ही रख रहे। क्या जबरदस्ती है, अभी तो हम लोग वहाँ भी रहेगा यार, यही रहने दो। तो पापा तीन दिन हो गया बकरे को लाके, दो दिन तो था ना इधर, अम्मी रखे दो दिन। ठीक है ले जाओ। हाँ ठीक है ले जाओ। ले जाओ क्या मतलब, क्या अभी गुस्सा हो रहे सब मम्मी, सब लोग गुस्सा हो जाते हैं यार। चल सुन, ए सोनम बोल रहा, चलो मिसबा लेके चलो अम्मी, हम लोग लेके जाते हैं हम लोग अम्मी। हाँ अरे हम लोग लेके जाने दो अम्मी। अम्मी क्या यार ये क्या प्रॉब्लम है अम्मी, अम्मी लेके जान दो, अम्मी लेके जान दो, क्या हो गया? अम्मी बैठ के खिला लो, चुम्मा चाटी ले लो। अरे लेकिन मैं तीन चार घंटा अम्मी रखूंगी ना। अम्मी चलो जान दो लेके, मम्मा लेकर चलो ना थोड़ा। अम्मी आप नहीं लेके जाने दे रहे हो। हाँ चल मिस बाबू, दूसरा बकरा लेके आएंगे, चल चल दूसरा बकरा लेके आते, चल। हाँ नहीं चल, तेरे लिए दूसरा बकरा लेके आता हूँ। अच्छा ठीक है, क्या हो गया आने का है, क्या हो गया? लेके जाओ और नहला धुला के तैयार करके रखना। क्या करने है इस बार लेके आने का है? हाँ तो क्या हो गया, रो क्यों रही है? मैं नहीं रो रही हूँ यार। तो फिर हाँ लेकर जाने का है ना, आज मैं बोली थी कि मेरे को लेकर जाने का है। हाँ क्या बोल रही है, चल लेके चलना है नहीं लेके चलना है? अम्मी को पूछो ना फिर। अम्मी हम लोग अभी लेके जा रहे हैं। ओके बस हो गया, ज्यादा मत रुलाओ मेरी बीवी को। चलो हम लोग लेके जा रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा अम्मी 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 अपन क्या कर रहे थे मिसबा के साथ, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे मिसबा के साथ? तो मम्मी कर रहे थे मिसबा के साथ, मम्मी एक बार और, अम्मी एक बार और, अम्मी क्या कर रहे थे? तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग तो तेरे साथ प्रैंक कर रहे थे, ये मेरे को और मम्मी को पता था, पापा बीच में क्यों बोल रहे थे? पापा क्या हम लोग नहीं लेके जाने गए? नहीं लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ ना, है ना? हाँ जाओ नहला उला के तैयार करके रखना। चलो मिसबा चलो चलते हैं। हाँ तो गाइस हम लोग लेके जा रहे हैं बकरे को। हाँ उसको लग रहा है कि वो बस हो गया और यहाँ भाभी अकेले बैठे चुपचाप। ओके क्या हो गया, अपसेट हो गया ना, अपसेट हो गया ना वो। तो गाइस चलो मिसबा के साथ हम लोग ने छोटी सी मस्ती की थी और एक छोटा सा प्रैंक था। तो गाइस चलो चलते हैं, मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। और बकरे को आज हम लोग फुल रात भर मस्ती करेंगे, नहलाएंगे पिलाएंगे खिलाएंगे और इंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में।